व्यूअर्स, जो लाइन कमांड है उसकी जो लास्ट जो कैटेगरी मैं आपको बताने लगा हूँ वो ऑर्थो ऑन ऑप्शन के थ्रू मैंने आपको बताना था कि इसके लिए आप सबसे पहले मेक श्योर ये करें कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं वो आप ऑफ़ कर दें। सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको इसको एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा। अब अगर मैसेज यहाँ आपके पास आ रहा है ऑफ़, तो इसका मतलब ये ऑफ़ हो गया। आप अगेन इसको क्लिक करें तो ये ऑन हो गया। और ये ऑर्थो मोड का ऑप्शन आपने यूज़ करना होता है अगर आप ये चाहते हैं कि चार एंगल्स पर आप डायरेक्ट लाइन प्लॉट करना चाहते हैं सिर्फ डिस्टेंस लिखकर। तो उसके लिए आपको माउस का कर्सर लेके जाना होता है, जैसे 0 डिग्री पर या 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। तो आपने 0 डिग्री पर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने माउस का कर्सर 0 डिग्री पर छोड़ देना है, माउस का कर्सर रखकर। और यहाँ पर आपने सिर्फ डिस्टेंस बताना है, जैसे 10, और इंटर कर देना है। देखिए लाइन प्लॉट हो गई। इसी तरह 90 डिग्री के लिए माउस का कर्सर आपने 90 डिग्री पर स्टिल कर दिया, और अब आपने इसको 10 बताना है। 10 डिस्टेंस आपने लिखा तो अगेन, फिर अगेन मैंने 180 डिग्री पर 10 लिख के इंटर किया, और फिर वापस मुझे क्लोज़ करने के लिए मैंने CL लिख के इसको इंटर कर दिया। तो आप देखें इस तरह से मेरे पास ये चार डिफरेंट ऑप्शंस थे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसे टेक्स्ट। कभी भी ऑटोकैड स्क्रीन पर आपको लिखना है तो बहुत आसान काम है, सबसे आसान है कि टेक्स्ट लिख के आप सिंपली टाइप करें और इंटर करें। और यहाँ पर आपको स्टार्ट पॉइंट बताना है। मैंने स्टार्ट पॉइंट जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया। हाइट मुझे कितनी रखनी है, मुझे जैसे 2, ये लेंथ मेरे पास आ रही है तो मैं यहाँ पे 2 लिख कर क्लिक कर सकता हूँ, इंटर कर सकता हूँ, या फिर मैं माउस से इसका एक हाइट मैंने सेलेक्ट कर ली कि इतनी काफ़ी है, 1.8 या 2, और मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें रोटेशन एंगल आपने 0 रखना है वरना वो अपर डायरेक्शन में बनाना शुरू कर देगा। मैंने 0 डिग्री पर उसको इंटर कर दिया। अब जो भी आपने टाइप करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जैसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, इसको मैंने बाहर क्लिक किया तो ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे जस्ट एक काम करना है कि मैं कॉपी पेस्ट करके काम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी, तो मेरे पास देखें ये कॉपी इधर आ गया। कोऑर्डिनेट मेरा एज इट इज़ रहेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। इनको थोड़ा सा मैं दूर मूव करना चाहता हूँ, तो मूव की कमांड के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, बेस पॉइंट बताऊँगा, और ये मैंने थोड़ा सा फासले पर इसको मूव करा दिया। अगेन इसको मूव कराना है मुझे, मैंने इसको थोड़ा सा मूव करा दिया। अब इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पर मैंने मैसेज टाइप करने हैं सिंपली, इनको मैं बाद में मॉडिफाई करूँगा। कंट्रोल वी कंट्रोल वी, अब ये रिलेटिव है तो इसको मैं या तो डबल क्लिक कर दूँ तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, इसको मैं रिलेटिव लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारी थी ऑर्थो मोड सिस्टम था, तो ऑर्थो को ये मिस्टेक दे रहा है। ये ऑर्थो मोड, और इसको आप डिलीट कर दें क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, ये बस एक टेक्निक है हमारे पास जिसकी मदद से हम ये काम कर रहे हैं। तो F8 का बटन, ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करना हो आपको तो उसकी शॉर्ट की होती है F8। मैं यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं कर सकता, मेरे पास जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो F8 जो है वो उसके एक डेडिकेटेड फंक्शन के लिए रिज़र्व है। तो आप अपने पास F8 शॉर्ट की आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा एक लेक्चर है जो लाइन कमांड, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे आसानी के साथ अगर आपको कभी भी ये स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑर्थो मोड आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं वो आसानी के साथ आप प्लॉट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू रिलेटिव। तो कोशिश ये करें जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएं उसका स्टार्टिंग पॉइंट या सर्किल का सेंटर पॉइंट हो वो आप ओरिजिन पे बनाएं, 0.0, जो इस ऑटोकैड स्क्रीन का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट है, ताकि आप जो पॉइंट्स ड्राइंग शीट पे आपके पास गिवन हो वो आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है उसकी कैलकुलेशन में, वो बहुत टाइम लगा देते हैं तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें उसको मैनेज नहीं कर पाते टाइम को।